फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसका देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हमारे पास जितनी सिंपल फॉर्म में होगी उतना हम सवाल को अच्छा हल कर लेंगे। तो इसका पहले स्क्वायर दिया हुआ है बैर, स्क्वायर को पहले अंदर स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर खोल देंगे, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है ए की दो माइनस बी की दो, यहाँ जमा आएगा यहाँ माइनस टू इंटू ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद अब अंदर स्क्वायर, ये स्क्वायर जजर इसका कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स जमा बच जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर जब खोलेंगे इसका ब्रैकेट को अंदर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, और नीचे जब इस पे एक्स के अंडर रूट पे स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर जजर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस टू वैसे ही आ जाएगा और उसके साथ अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई को के वन ओवर अंडर रूट एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डी एक्स वैसे हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम अब इसका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। एक्स जब इंटीग्रेशन का फार्मूला एक्स पे अप्लाई करते हैं तो उसका फार्मूला होता है एक्स है, इसमें हमेशा जब डेरिवेटिव हम हल करते हैं तो वहाँ पे डेरिवेटिव में हमेशा पावरें माइनस होती हैं और यहाँ पे हमेशा इंटीग्रेशन में होता है कि दोनों इसका मुख्तलिफ है। और इसमें जब इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी एक पावर जमा हो जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर, जितनी पावर होगी उतना नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और जमा वन जब इंटीग्रेशन का फार्मूला वन ओवर एक्स पे अप्लाई करेंगे तो ये एल एन ऑफ एक्स आ जाएगा, और साथ में माइनस टू है तो इसका बन जाएगा टू इंटू टू एक्स बन जाना है। और जब इन दोनों को हम ख़त्म करेंगे तो इनको ख़त्म करने के बाद फौरन हम जमा सी लगाएंगे, बस तकरीबन हमारा आंसर आ चुका है। इसको इधर वन बाई टू इधर कर देंगे, वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर जमा एल एन ऑफ एक्स और माइनस टू ऑफ एक्स जमा सी।